ठीक है, तो हम लोग अब आज की क्लास शुरू करते हैं। जिसे भी अब ज्वाइन करना होगा वो बाद में कर लेंगे। तो कल हम लोगों ने प्राणवय स्रोतस के बारे में पढ़ा था कि प्राणवय स्रोतस जो है उसकी जो भी बीमारियां थी, श्वास, कास, हिक्का, राजक्षमा, शोष और उराच्छद छक्षीण, इन सब के बारे में, और उसकी एकल औषधि यानी कि मतलब जिसमें ऐसी कॉमन औषधियाँ जो कि इन सभी डिजीज में यूज़ हो सकती हैं, और तो उनके बारे में जाना था। आज हम लोग बात करेंगे उदक वह स्रोतस के बारे में। मैं जो पहले इम्पॉर्टेंट स्रोतस है यानी जो ऐसी बीमारियां हैं जो इंटरव्यू में ज़्यादा पूछी जाती हैं, मैं उनके बारे में पहले पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। जैसे प्राणवय स्रोतस में श्वास का सिक्का वगैरह, राजक्षमा है, ये इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे उदक वह स्रोतस है तो इसमें तृष्णा है, अतिसार है, प्रवाहिका है, विसूचिका है और जलोदर, ये पांच बीमारियां आती हैं जो कि हमारे सेकंड बुक जो है काय चिकित्सा का उसमें दे रखी हैं। आप लोगों में से जिसके पास भी सेकंड बुक हो काय चिकित्सा की वो ओपन कर सकता है, तो उसमें देखता रहेगा। तो आज जो हम लोग हैं वो उदक वह स्रोतस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से जो जैसे अतिसार है, प्रवाहिका है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ अतिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी, इन तीनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में भी पूछा जाता है कि जो ये अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी है तो इसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पेशेंट जो है वो उसे अतिसार है या प्रवाहिका है या फिर उसे ग्रहणी है। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले इम्पॉर्टेंट जो बीमारियां हैं जो वहाँ पे इंटरव्यू में ज़्यादा पूछी जाती हैं वो मैं बता रही हूँ। बाद में जो कम इम्पॉर्टेंट है या कम पूछी जाती है मैं वो भी टॉपिक्स कवर करा दूंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उदक वह स्रोतस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक दो चीज़ें जो याद रखने वाली वो ये है कि आप लोग एटलीस्ट कौन सी बीमारी कौन से स्रोतस में हो रही है ये याद रखें। इससे जो हेल्प मिलेगी वो ये होगी कि इन केस अगर आपको मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एक कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व है, तो इसमें कौन से दोष हो सकते हैं या किस तरीके के लक्षण, क्योंकि जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है स्रोतस दुष्टि के लक्षण भी। ठीक है बॉस, ठीक है, मैं स्लोली बता दूंगी, एकल औषधि एक एक करके बता दूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं कल वाली भी एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी जो एकल औषधि बताई थी या कुछ जो ड्रग्स हैं जो इन सभी में यूज़ हो सकती हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि अगर जैसे हम स्रोतो दुष्टि जैसे हम सभी ने पढ़ी है, तो जैसे हम जानते हैं कि रस वह स्रोतस से उसकी दुष्टि के कुछ लक्षण होते हैं, इसी तरह रक्त के होते हैं, जो भी स्किन डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादातर रक्त वह स्रोतस की दुष्टि के कारण होती हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी व्याधि जो है वो किस स्रोतस की है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़े बहुत व्याधि में क्या लक्षण होंगे या किस तरीके का ट्रीटमेंट है वो आप बता सकते हैं। ये मैं एक ट्रिक बता रही हूँ जो कि मतलब अगर ऐसी कोई व्याधि पूछ रहे हैं जो जिसके बारे में नहीं नॉलेज है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग अब बात करेंगे उदक वह स्रोतस के बारे में। उदक वह स्रोतस में जो बुक में है वो पाँच बीमारियाँ हैं, तृष्णा, अतिसार, प्रवाहिका, विसूचिका और जलोदर। ठीक है, इसमें से जो अतिसार है, प्रवाहिका है और विसूचिका है, इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत जो एक्सेप्शन है वो बता दूंगी, और बाकी तृष्णा और जलोदर जो है इसका थोड़ा सा इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो पहले तृष्णा की बात कर लेते हैं। नॉर्मली इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं बट हाँ कभी कभी ये 10 में से एक या दो लोगों से कभी कभी ये पूछ ली जाती है। तो तृष्णा हम सभी जानते हैं, नॉर्मल अर्थ जो होता है तृष्णा का वो होता है लोभ या आकांक्षा होती है। ठीक है, और जो इसकी डेफिनेशन है इस बीमारी की, तृष्णा का मतलब है जब कोई भी व्यक्ति बार बार पानी पीता है लेकिन फिर भी उसे पानी पीने की उसके मन में इच्छा बनी रहती है, यानी कि बार बार पानी पीने के बाद भी जब जो व्यक्ति है उसका पानी से मन नहीं भरता और उसे बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, तो इस व्याधि को हम लोग क्या कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है, ये बॉडी में जो वाटर कंटेंट है यानी कि जो पानी है उसकी कमी की वजह से होता है, इसलिए पेशेंट जो है बार बार पानी पीने की उसे इच्छा होती है। तृष्णा के अगर टाइप्स की बात करें तो ये चरक ने इसके पांच प्रकार बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सॉरी कफज नहीं बोला चरक ने, वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। जबकि जो सुश्रुत हैं उन्होंने तृष्णा के सात प्रकार बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, आमज, क्षयज, उपसर्गज और अन्नज। ठीक है, तो आपको वहाँ पे अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं कि चरक ने भेद कितने बताए हैं, सुश्रुत ने भेद कितने बताए हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये डिफ्रेंशिएट इस चक्कर में मत पड़िए कि चरक ने इतने कहे हैं, सुश्रुत ने इतने कहे हैं। इसका एक कारण ये है कि अगर आपने सपोज आपसे पहले बीमारी की कोई पूछी गई फर्स्ट नंबर पर, आपने उसमें चरक सुश्रुत बता दिया, ठीक है, तो दूसरा तो फिर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा डरे हुए या फिर कह दीजिए थोड़ा सा हमारा जो बीपी है सब बढ़ा हुआ होता है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, तो कहीं गलती से कुछ
कहीं गलती से जब ये भेद बता रहे होते हैं तो उसमें अगर एक दो इधर उधर गड़बड़ हो जाते हैं तो भले ही उस वक्त एग्जामिनर को वो भेद याद ना हो, पर हमारा जो एक्सप्रेशन होता है या जो बताने का जो तरीका होता है उससे उसे समझ में आ जाता है कि हमने थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया। तो अगर वो स्पेसिफिकली नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मली बताइए कि सर आचार्यों ने तृष्णा के भेद बताए हैं, वातज पित्तज आमज क्षयज उपसर्गज। अगर आपको याद है, आप कॉन्फिडेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि सर सुश्रुत ने 7 भेद बताए हैं इसके, और वो भेद बता दीजिए, वातज पित्तज कफज आमज क्षयज उपसर्गज और अन्नज। ठीक है, इसके बाद जो इसका कारण जो होते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये पानी की कमी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तृष्णा जो है वो बहुत कॉमनली आप बता सकते हैं, बिना पढ़े भी बता सकते हैं इसके कारण। हमें प्यास कब लगती है? जब हम बहुत ज़्यादा कोई काम करें, धूप में बैठे हों, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है, या किसी भी तरीके से हमारी बॉडी से क्या डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी पानी का क्या है ज़्यादा निकल गया शरीर से, यानी कि लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं, उस केस में होता है। ठीक है, या हम कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हों, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रूखा खाना खा रहे हो, रूक्ष है, उष्ण है, है ना, गर्म खाना खाए हमने, रूक्ष उष्ण मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब कुछ खा रहे हैं, तो जो उष्ण तीक्ष्ण, ये मैं आज के टाइम के हिसाब से मैंने बोले, जो आयुर्वेद के हिसाब से जो उसमें लिखा हुआ है कि जैसे उष्ण है, तीक्ष्ण है, क्षार है, अम्ल है, लवण है, रूक्ष पदार्थों का ज़्यादा सेवन करने से, ज़्यादा देर तक जागने से, है ना, तो इन सब कारणों से क्या होता है, तृष्णा रोग होता है, यानी कि हमें बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके कारण है। फिर भेद मैंने आपको बता दिए, वहाँ पे नॉर्मली भेद के अलग अलग लक्षण क्या होते हैं या संप्राप्ति क्या होती है, इस पे नहीं जाते हैं, और कल मैंने आपको बताया भी था, जो वही ट्रिक बताई थी कि संप्राप्ति के लिए आप जो कॉमन संप्राप्ति है उसे ही बता सकते हैं, निदान सेवन, निदान सेवन से शरीर में क्या होता है, दोषों की वृद्धि होती है, उससे अग्नि दुष्टि होती है। अगर आप कंफर्म नहीं है कि अग्नि मानद्य हो रहा है या फिर अग्नि वृद्धि हो रही है, जैसे भस्मक रोग जो है अग्नि वृद्धि से होता है, तो आप सिर्फ अग्नि दुष्टि कहिए। ठीक है, अग्नि दुष्टि है, अग्नि दुष्टि की वजह से क्या होता, फिर दोष दूष समूर्छना होगी, फिर उससे व्याधि के पहले पूर्व रूप और लक्षण प्रकट होंगे, फिर व्याधि हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे वहाँ पे भेद और संप्राप्ति के लक्षण कोई अलग से नहीं पूछता, तो संप्राप्ति बताइए या भेद के लक्षण बताइए, ऐसा नहीं होता है, उनका फोकस चिकित्सा पोर्शन पर ज़्यादा होता है। तो आपने इसका निदान बता दिया, भेद देख लिए इसके, अब अगर हम इसके चिकित्सा की बात करें तो जैसा मैंने कहा है, ये आप बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसके आंसर में क्या है कि सबसे पहले तो क्या है, हम रोगी को बार बार थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाएंगे। जो पहला चिकित्सा सूत्र है वो वही सेम रहेगा, निदान परिवर्जन, यानी जिस भी वजह से रोगी को ये बीमारी हुई है, अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था इसकी वजह से है तो हम उसे विश्राम कराएंगे, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे एक्सरसाइज कम करने के लिए बोलेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा रूक्ष पदार्थ यानी सूखा भोजन कर रहा है तो उसे हम क्या है बोलेंगे कि आप उसके साथ में कुछ लिक्विड डाइट भी अपने उसमें इंक्लूड कीजिए अपने खाने में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या है, निदान परिवर्जन कराएंगे। निदान परिवर्जन के बाद हम क्या करेंगे, रोगी को बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने के लिए देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी दे देंगे तो उससे मंदाग्नि हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके अदर कॉम्प्लिकेशन या जो उससे दूसरी बीमारियां होने लग जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग बार बार थोड़ा थोड़ा पानी उसे पीने के लिए देंगे। नॉर्मली हम लोग देखते भी हैं, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉल वगैरह जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि आप थोड़े थोड़े टाइम पे पानी पीते रहिए, यानी मुहर मुहर पानी देंगे। फिर इसमें क्या षडंग पानी है, षडंग पानी में क्या है 6 कंटेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या किसी को षडंग पानी के कंटेंट पता है? जी मैम, जी बताएं। मुस्तपर्पट कोशीर चंदन उदित चनाग्र। जी, यही 6 कंटेंट होते हैं, मुस्तपर्पट कोशीर चंदन उदित चनाग्र। ठीक है, तो ये 6 पानी जो होता है, ये जो 6 कंटेंट है, इन्हें जो ये षडंग पानी है, वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो जो ये कंटेंट है, इनसे 64 गुना जल लेके और इन्हें आधा शेष रहने तक इन्हें उबालते हैं, और जब ये उबल के आधा रह जाए फिर उसे श्रत शीत यानी कि उबाल के ठंडा किया हुआ जल उसे बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसे हम उसे मुहर मुहर यानी कि बार बार थोड़ा थोड़ा पीने के लिए पेशेंट को देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, निदान परिवर्जन कर दिया, उसके बाद हमने फिर पेशेंट को बार बार थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी पीने के लिए देंगे। ये श्रतशीत जल हो सकता है यानी उबाल के ठंडा किया हुआ जल हो सकता है, ठंडा जल शीत जल भी हो सकता है, षडंग पानी हो सकता है। इसके साथ ही साथ इस षडंग पानी में जो 6 कंटेंट आए हैं उसी में से क्या है, उशीर जैसे है, तो हम पेशेंट को क्या है उशीर आसव दे सकते हैं पीने के लिए, हम चंदन आसव देंगे पीने के लिए। ठीक है, इसके साथ पेशेंट को क्या बोलेंगे कि वो ठंडे मतलब जैसे बॉडी को क्या है ठंडे पानी से पोंछ सकता है, या जैसे अवगाहन होता है बाथ टब जिसे बोलते हैं ना, बाथ टब में क्या है वो ठंडा पानी भर के और उसमें लेट सकता है। ठीक है, या फिर जो हम लोग परिषेक बोलते हैं कि सर से ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है, तो हम उसे ठंडे पानी से नहाने
नहाने के लिए बोल सकते हैं कि आप नहाएं घर जाके इस तरीके से करें, या जो बताया गया कि मुक्ता है, मणि है, यानी कि जो भी ठंडी स्पर्श वाली चीज़ें हैं उन्हें हम क्या रोगी को क्या उसे धारण करने के लिए कहेंगे, ठीक है। अगर वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ बहुत गर्मी है तो हम उसे रिलेटिवली कोल्ड एनवायरनमेंट में, मतलब ऐसा कमरा जहाँ लाइट हो, पंखा चल रहा हो या एसी हो, वहाँ पे उसे शिफ्ट होने के लिए बोलेंगे कि आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठिए या जाइए, इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये तृष्णा के बारे में। तो तृष्णा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी अपना डे टू डे लाइफ से उसे कोरिलेट करेंगे तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं और बता सकते हैं इसे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है तीन बीमारियां, अतिसार, प्रवाहिका और विसूचिका पे। और तृष्णा में जो दोष की प्रधानता होती है वो रह गया था। दोष जो होते हैं इसमें पित्त और वात होता है, हम जानते हैं बार बार प्यास लग रही है तो जो हमने कारण भी बताया, निदान भी बताया, वो कौन से पित्त और वात वाले बताए, रूक्ष है और क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा अल्प भोजन कर रहा है या कम खा रहा है, लंघन कर रहा है, रात्रि जागरण, ये सब क्या वात वाले हैं। और उष्ण तीक्ष्ण और मिर्च मसाला जो है ये सब क्या है पित्त वाले कारण है। तो ये क्या है पित्त और वात की प्रधानता से होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अतिसार की। जी बोलिए। या दोनों कंडीशन सेम होती है क्या चीज डॉक्टर पूजा? तृष्णा और प्यास में कोई अंतर है या दोनों चीज सेम बनती है, ये क्वेश्चन किसी से पूछा गया था। नहीं नहीं देखिए दोनों में अंतर है। एक होता नॉर्मल हमें प्यास लगी है, ठीक है, जैसा हम लोगों को लगता है, हम जाते हैं हम एक ग्लास डेढ़ ग्लास हमने पानी पिया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम हमारी प्यास जो है वो बुझ गई। तृष्णा क्या है एक रोग है, इसमें क्या है कि पेशेंट को बार बार, इसमें सबसे पहले क्या होगा प्यास के लिए दोषों का बढ़ना या फिर ये दोषों का संचय होना, जो क्रियाकाल की अवस्था है वो नहीं जरूरी है। प्यास एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारे सर्कैडियन रिदम है उसका है कि हमें पानी की प्यास लगती है, जैसे जैसे हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू या फिर जो हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू इवेपोरेशन जो पसीना निकलता है उसके थ्रू पानी निकलता है, तो उसके वजह से हमें प्यास लगती है तो हम वो पानी पीते हैं, उसका कंपनसेट हो जाता है वो चीज। बट तृष्णा क्या है इसके लिए क्या है, हमने जैसे निदान से पहले सेवन किया, निदान जो है उनको किया, फिर उसके बाद क्या होता है जैसे क्रियाकाल का कि पहले क्या संचय होता है ना, संचय प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है, फिर स्थान संशय, तो ये क्या है पूरा इसकी एक संप्राप्ति है। पहले निदान सेवन की वजह से दोषों का कलेक्शन हुआ, दोषों का कलेक्शन होने की वजह से फिर क्या है जब वो बढ़े उनका प्रकोप हुआ, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह गए, फिर उनका क्या जैसे इसका पूर्व रूप क्या होता है मुखशोष होता है कि हमें गले में क्या सूखा सूखा सा महसूस होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है हम पानी पी लें यानी पूर्व रूप की अवस्था में ही व्याधि का ट्रीटमेंट कर दें तो क्या होता है वो व्याधि वहीं पे खत्म हो जाती है। बट अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है जब हम बार बार पानी भी पी रहे होते हैं तो भी हमें क्या उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होता है। तो ये दोनों जो है वो डिफरेंट कंडीशन है। प्यास एक नॉर्मल चीज है जबकि तृष्णा जो है वो एक व्याधि है जिसके लिए फिर हमें ये जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट बताया है कि पेशेंट को हम लोग जो इंद्र जल है या षडंग पानी है या फिर इस तरीके की चीजें देंगे, और ठीक है, तो ये जो तृष्णा और प्यास ये दोनों क्या है डिफरेंट चीजें हैं, अलग हैं, ठीक है। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। हाँ जी जी ठीक है। हाँ मैम मत बोलिए, मेरी बैचमेट हो, इट्स ओके। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं अतिसार, प्रवाहिका और विसूचिका पे, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये हम लोग एक साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि इनका जैसे जो निदान है या जो चिकित्सा है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर है, ठीक है। अतिसार में क्या होता है वात प्रधान त्रिदोष होता है, प्रवाहिका में कफ और वात होता है, और विसूचिका में भी त्रिदोष ये व्याधि है, मतलब अतिसार और विसूचिका जो है और प्रवाहिका जो है, ठीक है, ये तीनों के जो दोष की अगर बात करें तो अतिसार वात प्रधान त्रिदोष है, विसूचिका त्रिदोषज है और प्रवाहिका कफ और वात से होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग भेद की बात करें तो अतिसार जो है वो क्या होता है उसके छह भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज, ठीक है। तो निदान की अगर वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज के लिए हम लोग निदान वही जो हमारे घिसे पिटे रहते हैं हर व्याधि के लिए वही हम लोग बता सकते हैं कि क्या कहते हैं रूक्ष है, उष्ण तीक्ष्ण भोजन कर रहा है, रात्रि जागरण कर रहा है, ज़्यादा पैदल चल रहा है या फिर क्या कहते हैं व्यायाम ज़्यादा कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्निग्ध भोजन कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा
गुरु भोजन कर रहा है या फिर इस तरीके के चीज़ें जो है वो होता है। भयज के लिए हम लोग जानते हैं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भयज अतिसार का क्या कोई आप एग्जांपल बता सकते हैं या ऐसा कुछ। तो जैसे हम लोगों का जब हम छोटे होते हैं तो हमें जब एग्ज़ाम होता है हमारा, है ना, कुछ लोगों में प्रॉब्लम देखी जाती है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जब ट्रैवल करना होता है, कहीं जाना होता है, तो उन्हें लूज मोशन होने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या इसे भयज अतिसार में, जब हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं, है ना, या हमें ऐसा किसी एग्ज़ाम का भय होता है या इंटरव्यू का है या कहीं पे हम कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जिसकी वजह से हमें डर लग रहा होता है कि ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो उसकी वजह से जो होता है लूज मोशन वो क्या भयज अतिसार में। इसी तरीके से शोकज भी समझ में आ रहा है कि जब हम लोग क्या है किसी भी बात से दुखी होते हैं या किसी वजह से बहुत पीड़ा में होते हैं तो उसकी वजह से जो होता है वो होता है शोकज अतिसार। ठीक है, तो अतिसार के क्या है 5-6 भेद होते हैं, वातज पित्तज कफज भयज और शोकज। ठीक है, प्रवाहिका के 4 भेद होते हैं, वातज पित्तज कफज और रक्तज। ठीक है, और विसूचिका के जो है वो 3 भेद होते हैं, वातज पित्तज कफज। ठीक, इसके ये 3 भेद होते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें निदान, मैंने बता दिया, आप लोग अपने आप बना सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे बोल सकते हैं, बस आपको वात पित्त कफ के जो ये लक्षण होते हैं इनको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से आप उसके निदान बता सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसकी चिकित्सा की बात करें तो जैसा अतिसार है, अतिसार में अतिसार का मतलब क्या होता है, गुदेन अति मात्रम प्रवृत्ति अतिसारम, मतलब जब गुद से क्या होता है अति मात्रा में मल की प्रवृत्ति होती है तो उसे क्या होता है अतिसार बोलते हैं। ठीक है, यानी गुदा से अधिक मात्रा में मल की प्रवृत्ति होने को क्या है अतिसार कहा जाता है। ठीक है, जब जितना जो एक नॉर्मल अमाउंट है या नॉर्मल जो फीकल मटेरियल है वो पास होना चाहिए एनल रीजन से, जब उससे ज़्यादा और क्वांटिटी एज वेल एज जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, यानी कि जैसे नॉर्मली हम लोग दिन में 1 या 2 बार डेफिकेशन की प्रोसेस होती है, बट जब यही फ्रिक्वेंसी क्या है बढ़ जाती है, यानी दिन में 5-6 बार 7 बार 8 बार हो रहा है, तो उसे क्या है अतिसार बोलेंगे। ठीक है, जब क्वांटिटी और क्वालिटी जो है क्वांटिटी और फ्रिक्वेंसी जो है डेफिकेशन की वो बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे अतिसार बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मल है वो आम मल है या पक्व मल है। ठीक है, यानी अतिसार की जो है वो आमावस्था है, यानी आम मल होता है तो उसे आमावस्था बोलेंगे और दूसरा क्या पक्व अवस्था है। ठीक है, तो जो आम मल और निराम मल जिसे बोलते हैं, ठीक है, आम और निराम की परीक्षा के लिए आचार्यों ने बताया है, उसके लिए क्या होता है कि हम एक पात्र में यानी एक किसी भी उसमें पानी लेंगे और उसमें क्या है हम लोग जो फीकल मैटर है अपना जो पुरीष है यानी स्टूल है उसे हम लोग उसमें डालेंगे, अगर वो जल में डूब जाता है इसका मतलब क्या है वो आम मल है। ये क्यों कहा गया, क्योंकि कफ क्या होता है आम जो है वो भारी होता है तो वो जल में डूब जाएगा तो इसका मतलब क्या है वो आम मल है, और अगर वो जल में तैरता है तो इसका मतलब क्या है वो निराम है यानी कि पक्व अवस्था है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो भी आम अवस्था और पक्व अवस्था के अकॉर्डिंग होगा। आम अवस्था है यानी कि कभी भी कहीं भी अगर आम अवस्था किसी भी व्याधि में आती है तो ऐसी किसी भी व्याधि में हम कभी भी स्तंभक औषधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये यहीं के लिए नहीं है, अतिसार के लिए ही नहीं है, ये किसी भी व्याधि के लिए, किसी भी जैसे ज्वर है, ज्वर में जब आम अवस्था होती है तो हम क्या है कभी भी स्तंभक औषधियों का प्रयोग नहीं करते, हम पहले लंघन कराते हैं, फिर पाचन कराते हैं, दीपन कराते हैं, ताकि आम जो है उसका क्या है पाचन हो जाए और जो अग्नि है उसकी वृद्धि हो जाए। तो कहीं पे भी अगर आम अवस्था किसी भी व्याधि की है तो हम वहाँ कभी भी क्या स्तंभक औषधियों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्तंभक का मतलब होता है कि रोकना किसी भी चीज़ को, जैसे इसमें अतिसार में क्या है जो मल है उसकी ज़्यादा प्रवृत्ति हो रही है तो हमें इसको क्या रोकना होगा, लेकिन अगर इसकी आम अवस्था है तो हम उसे रोकेंगे नहीं। ऐसे में हम क्या करेंगे, आम अवस्था में पहले हम लोग आम का पाचन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आम अवस्था में दोष अल्प है यानी अल्प दोष वाला रोगी है तो उसमें हम लोग क्या लंघन कराएंगे, आम पाचन के जो 3 उन्होंने बताए हैं लंघन पाचन और अवसेचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या अगर अल्प दोष है तो हम लोग क्या करेंगे लंघन कराएंगे, अगर मध्य दोष वाला अतिसार रोगी है तो हम उसमें क्या लंघन पाचन कराएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर निराम अवस्था है तो निराम अवस्था में क्या अब हम लोग क्या स्तंभक औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो आम है उसका ऑलरेडी क्या है पाचन हो चुका है। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे स्तंभक और संग्राही औषधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रवाहिका जो है उसका ट्रीटमेंट भी इसी तरीके से होगा कि
हम सबसे पहले क्या है लंघन करेंगे, उसके बाद क्या है पाचन करेंगे, यानी जो आम है ताकि उसका लंघन और पाचन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है संशोधन चिकित्सा, जैसे कि विरेचन कराना है हमें, या फिर क्या कहते हैं दोष जो है बस्ती देना है, या कुछ भी करना है, वो उसके बाद में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से विसूचिका में भी होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें भी लंघन कराते हैं। लंघन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये व्याधि आम की वजह से हो रही है तीनों, अतिसार है, प्रवाहिका या विसूचिका, ये तीनों व्याधि में जो इनका कॉज है वो क्या आम है, आम की उपस्थिति है। तो हम सबसे पहले लंघन कराएंगे, फिर उसके बाद क्या है पाचन कराएंगे, और विसूचिका में, जैसे विसूचिका क्या होता है, इसमें दोषों की ऊर्व और अधा दोनों मार्गों से प्रवृत्ति होती है, यानी जो दोष होते हैं वो मुंह से भी निकलते हैं, मुंह से किस तरह निकलेंगे वमन के द्वारा, और अधा मार्ग से कैसे प्रवृत्ति होती है तो वो स्टूल के फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। तो इसमें दोष जो है वो ऊर्व और अधा मार्ग दोनों से प्रवृत्ति होती है, तो हम इन तीनों में सबसे पहले लंघन कराएंगे, उसके बाद पाचन कराएंगे, और फिर विसूचिका में हम लोग क्या गुदवर्ती का प्रयोग करते हैं, विरेचन कराते हैं, ताकि जो बचे हुए दोष हैं वो विरेचन के द्वारा बाहर निकल जाएं, ठीक है। अच्छा, अब इनकी जो एकल औषधियाँ हैं या जो ऐसी औषधियाँ हैं जो हम इन तीनों में यूज़ कर सकते हैं, मैं उनको बता रही हूँ, पेज नंबर भी मैं बता देती हूँ, और साथ ही साथ मैं धीरे धीरे बोल दूँगी, ताकि आप लोगों में से जो भी इसे नोट डाउन करना चाहे वो नोट डाउन भी कर सकता है। पेज नंबर है 192, जो काय चिकित्सा की सेकेंड बुक है उसका पेज नंबर 192। तो जो एकल औषधियां हैं वो हैं कुटज, बिल्व, मोचरस, नागकेसर, लोत्र। बुक में इतनी दी हैं, इसके अलावा आप लोग जातिफल भी लिख सकते हैं, जातिफल जो होता है उसका भी अच्छा रोल होता है इसमें, दे सकते हैं कुटज, बिल्व, मोचरस, नागकेसर, लोध्र, ठीक है। तो अब देखिए इसी से आप कैसे मेडिसिन बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कुटज है तो कुटज के लिए आप लोग क्या कुटज घन बटी आती है, कुटजा रिस्ट आता है, ठीक है, कुटजास्टक क्वाथ होता है, ठीक है। और तो ये क्या है, ये आपने कुटज का यूज करते हुए इतनी मेडिसिन बता दी। इसी तरीके से क्या होता है जातिफल के लिए, क्या जातिफल आदि चूर्ण होता है, ठीक है, जातिफल आदि बटी होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे बिल्व है तो आप लोग इसके लिए क्या बिल्व चूर्ण बता सकते हैं, ठीक है, नाग केसर का चूर्ण बता सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में नारायण चूर्ण जो है, नारायण चूर्ण जो है वो दूसरी और भी कई सारी ऐसी जगह हैं, जैसे उसका जो हम लोग अनुपान अगर चेंज करते हैं तो नारायण चूर्ण जो है वो डिफरेंट अनुपान के साथ डिफरेंट व्याधि में यूज होता है, ठीक है। वैसे नारायण चूर्ण का जो रोगाधिकार है वो उदर रोग है, और इसके अलावा अगर हम लोग जैसे उसका अनुपान बदल देंगे तो वो अर्श में, ग्रहणी में, इन सब जगह पे भी यूज होता है, ठीक है। तो जैसे नारायण चून है, जाति फलादि चून है, नागकेसर चून है, कुटज घनवटी हो गया, कुटजा रिस्ट हो गया, गंगाधर चून होता है, बिल्व चून है, ठीक है, या कुटज परपटी है, ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये आप लोग क्या है, ये अतिसार, प्रवाहिका और विसूचिका, इन तीनों जगह पे क्या है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी मेडिसिन हैं, यानी कि कुटज घनवटी हो गया, गंगाधर चूर्ण हो गया, नारायण चूर्ण हो गया, और कुटजा रिस्ट हो गया, कुटज परपटी हो गया, बिल्व चूर्ण हो गया, तो ये सारी मेडिसिन जो हैं वो आप क्या है अतिसार में, प्रवाहिका में और विसूचिका में तीनों जगह पे क्या है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है, जैसे जब अतिसार है तो वो क्या होता है, या प्रवाहिका या विसूचिका है, तो इसमें इन्फेक्शन भी होता है, तो इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि इसमें पेशेंट को बुखार भी आ रहा होगा, तो इसके लिए आप साथ में क्या वहाँ पे संजीवनी वटी भी बता सकते हैं, ठीक है। या मैंने कल बताया था आरोग्य वर्धनी वटी है, अगर आपको कोई वटी याद नहीं आ रही, सब कुछ आप भूल गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वटी के उसमें, तो आप क्या आरोग्य वर्धनी वटी भी बता सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, क्या आप आरोग्य वर्धनी बटी दे सकते हैं। और साथ ही में क्या है, अगर बुखार का पेशेंट है तो नॉर्मली इस केस में बुखार रहता है तो क्या होगा, संजीवनी बटी भी आप साथ में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है अतिसार की, प्रवाहिका की और विसूचिका की, ये एकल औषधियां हैं।
ठीक, एकल औषधियाँ मतलब इन्हीं से आपने जो ये 8-10 मेडिसिन हैं ये आपने बना ली, और वहाँ पे आपको एग्जामिनर के सामने इतनी ही मेडिसिन बोलनी होती हैं, इससे ज़्यादा ना तो वहाँ आपको टाइम मिलता है। और इसी में से क्या होता है कि आप जब एकल औषधि बोल रहे हैं, अगर आपने संजीवनी वटी इसमें बोला तो नॉर्मली वो आपसे संजीवनी वटी के या आरोग्य वर्धनी वटी के कंटेंट पूछ लेंगे, या आपने नारायण चूर्ण बोला तो उसका रोगाधिकार पूछेंगे, और फिर उसके बाद बोलेंगे कि क्या इसका कहीं और भी यूज़ होता है, तो आप बता सकते हैं कि जी सर अगर इसका अनुपान चेंज कर दिया जाए तो अनुपान के हिसाब से ये डिफरेंट अदर बीमारीज में जो है वो यूज होती है। तो आपको इसके अनुपान के साथ जो दूसरी बीमारियां हैं उनको भी याद करना है कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो इससे आपका जो एक्स्ट्रा कंटेंट याद करने वाली चीज होती है वो खत्म हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट व्याधि जो है इस श्रोतस की, वो है जलोदर, ठीक है। तो जलोदर जो है वो जैसा कि हम लोग जानते हैं उदर रोग जो है आयुर्वेद में बताए गए वो 8 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। उसी में से एक क्या होता है, जलोदर होता है, ठीक है। जो सारे उदर रोग, जितने भी 7 उदर रोग जो इसके अलावा होते हैं, उनकी जो लास्ट स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, जलोदर बोलते हैं, ठीक है। जलोदर जो है वो वात प्रधान त्रिदोषज व्याधि है, ठीक। इसके क्या है, 3 स्टेजेस होते हैं, इसका फिर से सब डिविजन किया गया है। तो इसमें क्या, नॉर्मली जलोदर की डेफिनेशन क्या है, जब त्वचा और मांस के बीच में क्या होता है, जल का संचय होने लग जाता है, तो उसे क्या है, जलोदर बोलते हैं। इसकी क्या है, 3 स्टेजेस होती हैं, कौन सी, अजातोदक, पिच्छावस्था, और लास्ट स्टेज जो है वो है जातोदक अवस्था, ठीक है। तो जो अजातोदक अवस्था है इसमें क्या होता है, इसमें जो फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर के एक्यूमुलेशन के लिए, यानी कि ऐसे सभी कारण जिनकी वजह से क्या पानी का संचय होता है त्वचा और मांस के बीच में, वो सारे क्या हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अभी इस स्टेज में जो वाटर है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो पिच्छावस्था है इसमें पानी क्या है, थोड़ा थोड़ा संचित होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है, जो पेट जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, ठीक है। और जो जातोदक अवस्था है इसमें पानी जो है वो पूरी तरीके से एक्यूमुलेट हो चुका होता है, ठीक। तो ये क्या है, ये जलोदर है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या होता है, हम जान रहे हैं, जैसे सबसे पहले निदान परिवर्जन वो सेम रहेगा, तृष्णा, अतिसार, प्रवाहिका, विसूचिका, जलोदर या कोई भी अदर बीमारी आती है सबके लिए कॉमन है निदान परिवर्जन, यानी जिस भी वजह से हो रहा है तो निदान का हम लोग त्याग करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें क्या होता है, विरेचन हम लोग बार बार कराते हैं, इसमें नित्य विरेचन कराया जाता है, यानी हम लोग पेशेंट जो है उसको बार बार विरेचन करवाएंगे। ऐसा क्यों, विरेचन कराने से जो उदर में जो संचित वाटर है, पानी है, वो क्या है, निकल जाता है। इसके साथ ही साथ जो दोष हैं वो भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम लोग पेशेंट को क्या है, बार बार विरेचन कराते हैं। अब विरेचन कराने के लिए मैंने कल कुछ योग बताए थे आपको, ठीक है, जैसे इसबगोल की भूसी है उसका यूज़ कर सकते हैं, एरंड तेल का यूज़ कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं, हरीत की चूर्ण का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसमें जरूरत पड़े तो कभी कभी दोष जो है उसके अकॉर्डिंग तीक्ष्ण विरेचन भी कराते हैं। नॉर्मली आप वहां पे बस ये बताते हैं कि इसमें नित्य विरेचन कराया जाता है, ठीक है। आपसे अगर वो कहते हैं तो डॉक्टर साहब आप कराते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर अगर मुझे ऐसा लगता है कि दोष ठीक है तो मैं इन सबका यूज करके करा लेता हूं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जो स्टेज है वो आगे बढ़ चुकी है या एडवांस स्टेज है और ये बिना संशोधन के ठीक नहीं हो सकता, तो मैं अपने वही पास में जो डॉक्टर साहब हैं उनके पास पेशेंट को रेफ़र कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि मतलब मैं पंचकर्म कराता हूँ, क्योंकि उससे एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि फिर वो आपसे पंचकर्म का पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपके पास होगा, अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर आपको वो बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके से, किस क्वांटिटी में, कैसे पंचकर्म कराते हैं, है ना, या क्या उसका फिर रिजल्ट होता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी फिर ये बोलिए कि हाँ मैं अपने क्लिनिक पे ये पंचकर्म वाला सेटअप रखे हूँ या मैं ये कराती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नित्य विरेचन कराते हैं। अब हाँ, जब वो पूछ रहे हैं तो ट्रीटमेंट में आपको बताना है कि हाँ सर इसमें नित्य विरेचन कराया जाता है, जिसके लिए हम लोग क्या है, इसबगोल की भूसी है, एरंड तेल है, त्रिफला चूर्ण है, हरित की चूर्ण है, ठीक है, इन सब का क्या है यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर ऐसा होता है कि विरेचन कराने से भी पेशेंट जो है वो ठीक नहीं हो रहा और उसका दोष नहीं निकले, तो हम इसमें क्या निरूबस्ती का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। निरूबस्ती हम लोग जानते हैं कि वात की क्या है, श्रेष्ठ चिकित्सा है, ठीक है, बस्ती जो है वो वात के लिए श्रेष्ठ है बताया गया, तो इसीलिए हम लोग इसमें क्या है फिर निरूबस्ती कराते हैं।
अब अगर इसकी बात करें संशमन योग की, तो जो मैंने पिछले उसमें बताया कि जैसे नारायण चूर्ण है, ठीक है, वो हम लोग क्या यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो यूज़ कर सकते हैं, हमने अभी बोला कि इसमें हम लोग नित्य विरेचन कराते हैं, तो हम लोगों को कौन से योग याद करने होंगे या कैसे योग हम लोग यूज़ करेंगे जो कि क्या विरेचन कराते हों, ठीक है। जैसे कि क्या, एक तो जलोदर के नाम से, ये जलोदर अरिरस है, या फिर क्या इच्छा भेदी रस है, है ना। तो ये क्या है, जो विरेचन वाले योग हैं जितने भी हैं, ठीक, हम वो सब यहाँ पे क्या बता सकते हैं। इसमें जैसे कि क्या क्या आते हैं, जलोदर अरिरस है, या फिर क्या है इच्छा भेदी रस है, ठीक, या फिर क्या है कुटकी, जो हमने कुटज पिछले उसमें बताया था वो भी हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं। कुटज घनवटी है, कुटकी वटी है, ठीक है। अभयावटी, अभया क्या हरितकी का पर्याय है, तो उसी से हमने क्या बना दिया यहाँ पे कि अभयावटी हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। कुमार्यासव है, कुमार्यासव क्या उदर रोग की श्रेष्ठ औषधि कहा गया है, ठीक है, यानी उसका जो रोगाधिकार है कुमार्यासव का, वो भी क्या उदर रोग है, तो ये जलोदर क्या है वन ऑफ द टाइप्स है उदर रोग का, तो हम क्या यहाँ कुमार्यासव दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में हम लोग यहाँ पे क्या दे सकते हैं, पुनर्नवादी क्वाथ दे सकते हैं या पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं पुनर्नवा मंडूर जो बॉडी में क्या है डायूरेटिक की तरह भी काम करता है, तो वो क्या है जब शरीर से पानी बाहर निकालेगा तो जो संचित वाटर है वो बॉडी से क्या बाहर निकलेगा। इसके साथ में क्या हम लोग यहाँ दशमूल का यूज़ कर सकते हैं, दशमूल क्वाथ दे सकते हैं, दशमूलारिष्ट दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि दशमूल जो है वो क्या है वात का शमन करेगा यहाँ पे, ठीक है, त्रिदोष पे एक्ट करेगा। ये क्या है दशमूल जो है वो बृहत और लघु पंचमूल मिला के होता है, तो उससे क्या है वो त्रिदोष पे वर्क करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या है, एक तो विरेचक औषधियाँ जितनी भी है योग हमें जो पता हो विरेचन वाले, जैसे जाति फलादि चूर्ण भी हम दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या जलोदर अरी रस दे सकते हैं, ठीक है, इच्छा भेदी रस देते हैं, नाराज चूर्ण होता है वो भी दे सकते हैं, ठीक है, अभयावटी दे सकते हैं जो कि हरितकी का पर्याय है, ठीक है, कुटज वटी दे सकते हैं, आरोग्य वर्धनी वटी दे सकते हैं, कुमार्यासव दे सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो बिल्कुल कॉमन है। कुमार्यासव का रोगाधिकार हम जानते हैं उदर रोग होता है, है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, कुमार्यासव को स्त्री रोग में बता देते हैं, पर नहीं, उसका जो रोगाधिकार है वो उदर रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुमार्यासव दे सकते हैं, इसके साथ ही क्या पुनर्नवा दे सकते हैं, पुनर्नवादिक्वाथ दे सकते हैं, पुनर्नवा चूर्ण दे सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर दे सकते हैं, ठीक। इसके साथ ही क्या नारायण चूर्ण, जो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था तिसार प्रवाहिका और विसूचिका में, वो नारायण चूर्ण क्या हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक, दशमूल क्वाथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी मेडिसिंस हैं जो कि हम लोग क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा स्लो बोल देती हूँ, बॉस आप लिख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या है इच्छा भेदी रस यूज़ कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं इच्छा भेदी रस क्या है, विरेचक औषधि है, इच्छा भेदी रस, जलोदर अरिरस, नराच रस, अभयावटी, आरोग्य वर्धनी वटी, पुनर्नवा चूर्ण या पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवादि क्वाथ, ठीक है, तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो पुनर्नवा, दशमूल, हम लोग यहाँ क्या दशमूल क्वाथ भी यूज कर सकते हैं, तो ये क्या है जो जलोदर है उसके ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो मैंने जो बिल्कुल सिंपल और जो ऐसी औषधि जो अतिसार प्रवाहिका विसूचिका और जो जैसे नारायण चूर्ण है जो कि जलोदर में भी कॉमन है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तृष्णा के लिए मैंने बताया कि वो आप थोड़ा सा भी अगर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा भी अगर आप उसे डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करेंगे तो आप उसका जो ट्रीटमेंट है बहुत आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या था उदक व श्रोतस के बारे में था, ठीक है। अगर अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कुछ क्वेरी हो जो आप पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज जो मैंने क्लास ली थी उसकी कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप मेरी पूरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं और मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप लोग मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपने क्लासेस का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी और आप मेरी क्लासेस जो पूरी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसके साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू देख के अपने इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो इन क्लासेस की फीस है वो 1000 रुपीज़ है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो ये क्लासेस हैं उनको ले सकता है, ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू।